अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? कैसे? वाले सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। उमर राजा। जी वाले सलाम सर, रेडी हैं? जी। क्या हुआ? कल मैंने आपको टेंस पढ़ाया था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, 11वां टेंस। तो उसकी आज है, आज एग्जांपल्स करवानी मैंने आपको, ठीक है? एग्जांपल्स हैं और वोकैबुलरी है, तीनों आप मौजूद है ना? अरशद भी और बाबर भी और उमर। जी सर। हमारा जो टेंस चला था, हमारा 11वां टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी हैं आज एग्जांपल्स। मैं बोलूंगा, लिखते जाएं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जमाना, फेल, मुस्तकबिल, मुकम्मल। चलिए शुरू करें एग्जांपल इसकी। नंबर वन, ही विल हैव, सर, ही विल हैव रीड अ बुक, ही विल हैव रीड अ बुक बिफोर, ही विल हैव रीड अ बुक बिफोर ही प्लेड द मैच, before he plays the match, plays PLAYS, present definite tense, दूसरा tense present definite tense है। he will have read a book, वो किताब पढ़ चुका होगा इससे पहले कि वो मैच खेलता है, before he plays the match। सर read लगाएंगे, read third form है ना, third form आएगी ना, read, read, read। He will have read a book, वो किताब पढ़ चुका होगा, before he plays the match, इससे पहले कि वो मैच खेलता है। Second example, she will have finished homework, she will have finished homework before she takes the rest. Before she takes the rest, वो घर का काम खत्म कर चुकी होगी इससे पहले कि वो आराम लेती है या आराम करती है। जी चलें आगे। Yes, sir. आगे लिखें, इट विल हैव रेन्ड टुमारो, इट विल हैव रेन्ड टुमारो बिफोर द गेस्ट कम्स एट होम, इट विल हैव रेन्ड टुमारो बिफोर द गेस्ट कम्स एट होम। कल बारिश हो चुकी होगी इससे पहले के मेहमान घर आता है, बिफोर द गेस्ट कम्स एट। सर जी चौधरी, ये जुमला दोबारा बोले। इट विल हैव रेन्ड टुमारो बिफोर द गेस्ट कम्स एट होम। Yes, sir. आगे रेन डबल एन। जी सर, जी डबल एन है रेन में? नहीं नहीं, आर ए आई एन ई डी, आर ए आई एन ई डी, रेन।
हो गया। यस सर आगे। इट विल हैव रेन्ड बिफोर द गेस्ट कम्स एट होम, कम्स COMES, इसे पहले के मेहमान घर आता है, बारिश हो, कल बारिश हो चुकी होगी, इसे पहले के मेहमान घर आता है। नेक्स्ट, दे विल हैव वॉन द मैच, दे विल हैव वॉन द मैच बिफोर, दे विल हैव वॉन द मैच बिफोर बिफोर द फ्रेंड्स रीच एट स्टेशन, बिफोर द फ्रेंड्स रीच एट स्टेशन, वो मैच जीत चुके होंगे इससे पहले के दोस्त जो है स्टेशन पहुंचते हैं। सर WON won, WON थर्ड फॉर्म है ना, won, win, won, won, चौथी विनिंग है। जी चलें आगे। जी आगे लिखें, आई शैल हैव टेकन द डिनर, आई शैल हैव टेकन द डिनर बिफोर आई वॉच द टीवी, आई शैल हैव टेकन द डिनर बिफोर आई वॉच द टीवी, मैं रात खाना जो है ले चुका हूंगा इससे पहले कि मैं टीवी देखता हूं, बिफोर आई वॉच द टीवी। जी चले आगे। जी वी शैल हैव टेकन टी, वी शैल हैव टेकन टी बिफोर We read the newspaper. We shall have taken tea before we read the newspaper. हम चाय ले चुके होंगे इससे पहले कि हम अखबार पढ़ते हैं। जी चलिए आगे। यू विल हैव, यू विल हैव स्पोकन द ट्रूथ, तुम सच बोल चुके होगे, यू विल हैव स्पोकन द ट्रूथ बिफोर, बिफोर द फादर आस्क्स यू, बिफोर द फादर आस्क्स यू, तुम सच बोल चुके होगे इससे पहले कि वाली तुमसे पूछता है। asks, A-S-K-S, before the father asks, asks you, इससे पहले कि वाली तुमसे पूछता है। जी जी चले आगे। जी आप कितने एग्जाम, 7 हो गई है आपकी, 7। हाँ चले आगे। ही विल हैव, ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, वो काम मुकम्मल कर चुका होगा, ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बिफोर ही गोज टू मार्केट, इससे पहले कि वो बाजार जाता है, वो काम मुकम्मल कर चुका होगा इससे पहले कि वो बाजार जाता है, बिफोर ही गोज टू मार्केट। चले आगे। जी शी विल हैव, शी विल हैव
She will have gone to library. She will have gone to library before she drinks water. वो लाइब्रेरी जा चुकी होगी इससे पहले कि वो पानी पीती है. Before she drinks water. चले आगे. सर लाइब्रेरी का स्पेलिंग LIBRARY LIBRARY लाइब्रेरी. LIBRARY जी चले आगे. लिख लिया. हैव यू रिटन? यस सर. दे विल हैव टेकन द ब्रेकफास्ट. दे विल हैव टेकन द ब्रेकफास्ट. वो नाश्ता ले चुके होंगे बिफोर. दे विल हैव टेकन द ब्रेकफास्ट बिफोर बिफोर दे गो फॉर शॉपिंग. वो नाश्ता ले चुके होंगे इससे पहले कि वो खरीदारी के लिए जाते हैं. बिफोर दे गो फॉर शॉपिंग. चलिए आगे. आई शैल हैव I shall have started the work. I shall have started the work before I take the medicine. I shall have started the work before I take the medicine. मैं काम शुरू कर चुका हूं इससे पहले कि मैं दवाई लेता हूं या मैं दवा लेता हूं. मेडिसिन की स्पेलिंग सर? MEDICINE MEDICINE मेडिसिन. MEDICINE मेडिसिन. जी चले आगे. जी हो गया. जी सर आगे चले. वी शैल हैव टेकन द डिनर. वी शैल हैव टेकन द डिनर बिफोर We go for walk. Before we go for walk, हम रात खाना ले चुके होंगे इससे पहले कि हम चहल कदमी के लिए जाते हैं. We shall have taken the dinner before we go for walk. जी चले आगे. जी सर आगे लिखें. यू विल हैव. यू विल हैव रीच्ड एट एयरपोर्ट. यू विल हैव रीच्ड एट एयरपोर्ट. एयरपोर्ट आपने इकट्ठा लिखना है. इकट्ठा इसमें स्पेस नहीं है. इसमें एयरपोर्ट इकट्ठा लिखते हैं. यू विल हैव रीच्ड एट एयरपोर्ट बिफोर The cousins come there. Before the cousins come there, तुम एयरपोर्ट पहुंच चुके होगे इससे पहले के cousins वहां आते हैं.
सर कम देर या कम्स देर? कम नहीं नहीं, कजन्स है ना, जमा है ना, तो कम आएगा ना, वाइफ के लिए आएगा, ही शीट के साथ लगाते हैं, ऐसी ऐसा दफा करते हैं वर्क के साथ, कजन्स, COUSINS, ज्यादा कजन है ना, बिफोर द कजन्स कम देयर, THEIR, देयर वहां उधर, जी कितनी एग्जाम्पल हो गई हैं? 13 हो गई हैं जी सर, 13, चले नंबर 14 आगे लिखें, ही विल हैव ज्वाइंड टू ऑफिस, ही विल हैव ज्वाइंड टू ऑफिस before he starts his study, before he starts his study, वो दफ्तर जो है ज्वाइन कर चुका होगा, ये दफ्तर को अटेंड कर चुका होगा इससे पहले कि वो मुतालिया शुरू करता है, before he starts the study, starts STARTS, starts the study, 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 full stop. चले आगे, she will have spoken a lie, वो झूठ बोल चुकी होगी, she will have spoken a lie before the mother asks her, वो झूठ बोल चुकी होगी से पहले के वालदा उससे पूछती है, she will have spoken a lie before the mother asks her, चले आगे, जी दे विल हैव टेकन द मेडिसन, दे विल हैव टेकन द मेडिसन, वो दवा ले चुके होंगे या वो दवाई ले चुके होंगे, दे विल हैव टेकन द मेडिसन बिफोर दे गो टू स्लीप, इससे पहले कि वो सोने के लिए जाते हैं वो दवा ले चुके होंगे, दे विल हैव टेकन द मेडिसन बिफोर दे गो टू स्लीप, गो टू स्लीप, स्लीप होता सोना, SLEEP, गो टू स्लीप, फुल स्टॉप, यस आगे है, आई शैल हैव Watched the टीवी, मैं टीवी देख चुका हूंगा या मैं टीवी देख चुकी होंगी, मुज़क्कर तो मुज़क्कर, मौनस तो मौनस, I shall have watched the टीवी before I take tea, इससे पहले कि मैं चाय, मैं टीवी देख चुका हूंगा इससे पहले कि मैं चाय लेता हूं या मैं चाय लेती हूं, जरूरत के मुताबिक लेता हूं लेती हूं, बिफोर आई टेक टी, जी आगे चलें, जी सर, वी शैल हैव ये है gone to Murray, we shall have gone to Murray before
वी शैल हैव गॉन टू मरी बिफोर वी स्टार्ट द जॉब बिफोर वी स्टार्ट द जॉब जी हम मरी जा चुके होंगे पहले कि हम जो है नौकरी शुरू करते हैं या काम शुरू करते हैं चलें जागे यू विल हैव कम बैक फ्रॉम कराची तुम कराची से वापस आ चुके होगे यू विल हैव कम बैक फ्रॉम कराची बिफोर यू अपियर इन द एग्जाम्स बिफोर यू अपियर इन द एग्जाम्स तुम कराची से वापस आ चुके होगे इससे पहले के तुम जो है इम्तहानात देते हो अपीयर के स्पेलिंग ए डबल पी ई ए आर ए डबल पी ई ए आर अपीयर इन द एग्जाम्स एग्जाम्स ई एक्स ए एम एस इम्तहानात फुल स्टॉप चले आगे Yes, sir. I shall have got the success. मैं कामयाबी हासिल कर चुका हूँ मैं कामयाबी हासिल कर चुकी होंगी I shall have got the success before I बिफोर आई गो टू मुल्तान इससे पहले कि मैं मुल्तान जाता हूँ या जाती हूँ जरूरत के मुताबिक को कर देंगे इस्तेमाल नेक्स्ट वी शैल हैव सर वो पुराने वाला नहीं पूरा हुआ आई शैल हैव got the success before I मैंने क्या लिखवाया था अभी आपको सर तीनों ने नहीं लिखा before I go to मुल्तान ये था ना before I go to मुल्तान इससे पहले कि मैं मुल्तान जाता हूं चलें आगे सर 20 तो हो गए 20 बाकी बना लेंगे कितने हो गए हैं आगे क्या लिखना आगे वी शैल हैव We shall have gone for shopping. हम खरीदारी जा चुके होंगे We shall have gone for shopping before we wash the clothes. इससे पहले हम कपड़े धोते हैं Before we wash the clothes. सर काफी है का, बाकी खुद बना लेंगे कितने हो गए हैं 21 बस ठीक है मेरा टारगेट 30 का चलें कोई बात नहीं आप इतना बाकी खुद कर लीजिएगा तो आप इसमें से बना लेंगे जितने भी 50 60 70 80 आप पे डिपेंड करता है ठीक है ना तो
फिर मैंने आपको कल एक बात समझाई थी जी सर जी, वो आपने जो कल पढ़ाया वो लिंक हमें कल वाला वो YouTube वाला जो लिंक होता है वो हमें सेंड कर दें, इसी ग्रुप में फिर हम उसको वो कर लेंगे। नहीं, YouTube पे लेक्चर है ना, क्या नाम है उसका, वो कर लेंगे उसको। नहीं, YouTube पे लेक्चर है ना, ये आवाज सर उसका वो सेंड कर देना, लिंक जो होता है YouTube पे लिंक। आप मेरी बात सुने, आप यूथ विजन उसका लिंक हमें यहाँ से सेंड, आप सुनो सही ना, यूथ विजन इंस्टीट्यूट पे आप जाएंगे ना वेबसाइट पे, ये जो डेट पे आप करेंगे ना यूट्यूब पे या नेट पे यूथ विजन इंस्टीट्यूट, तो वो आपके सामने लेक्चर आ जाएंगे। ठीक है, वो डेट लिखी होती है ऊपर, ये डेट लिखी होती है ऊपर, ये देखें यहां पर, ठीक है, बोर्ड के ऊपर आप, आपको समझ आ जाएगा ये टाइम क्लास का और डेट, ये ठीक है ना। कल थी, कल की जो डेट है वो थी 29 थी ना, कल 29 थी, तो क्लास का टाइम आपका 3 से 4 लिखा होता है बोर्ड पे, वो देख लीजिएगा आप लेक्चर को। ठीक है, लेक्चर डेली जले हैं यूट्यूब के ऊपर, आप सिर्फ जाके आप सिर्फ ये टाइप करते हैं आप ये यूथ विजन इंस्टीट्यूट बस, और सामने लेक्चर सारे आ जाते हैं आपके, मुझे कैसे लेक्चर ना, आप ये अपना लेक्चर निकाल लीजिएगा कल की डेट का जो है, तो कोई इसमें इशू नहीं है। सर स्टूडेंट जो ऑनलाइन सारे ऐसे ही लेक्चर ले रहे हैं यूट्यूब से, तो बाकी जो है वो होमवर्क का जो है आपके पास जो उसने भेजा है मुझे उमर ने, अर्शद आप उससे ले लें, ये जो मुझे होमवर्क भेजा ना उमर ने मुझे, तो वही होमवर्क है। अगर आपको समझने का मसला तो समझाया, तो दोबारा आपको अगर समझ नहीं, बात कल का अगर मसला कल हुआ था जो क्लास में, सिर्फ मैं कल उमर के साहब का मसला था कल बताया था इसने मुझे, कल का रिपीट कर दूं आपको, कल का रिपीट कर दूं? नो सर, वो कल, हाँ वो तो इसी काम से आप देख लेना कि भाई। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था वो ये कि इसमें दो टेंस का इस्तेमाल जो है लाजमी नहीं है, जो दूसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसका इस्तेमाल लाजमी नहीं है। हाँ सर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर लें, यही बहुत है, यानी कि जो कि डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि इस जमाने में किसी काम का आने वाले वक्त में मुकम्मल करने के बारे में सोचा जाता है, वर्ब तीसरी हाल शक्ल का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोनाउन का सब्जेक्ट यानी ही शी इट और दे यू के साथ विल हैव का इस्तेमाल तो अमदादी फिल होता है, प्रोनाउन का सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल हैव का इस्तेमाल तो अमदादी फिल होता है, इस टेंस की पहचान के जुमला के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुका होगा वगैरह का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक होता है। ये जी आपका उस हिसाब से आप आपका ये टेंस छोटा बन जाता है, लेकिन गलत नहीं होगा, ये ठीक होगा बिल्कुल, दूसरा टेंस पीछे का इस्तेमाल ना करें। फिर इसके बाद है फार्मूला, सब्जेक्ट ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल क्या होगी, ही विल हैव गॉन टू ऑफिस फुल स्टॉप, दस जा चुका होगा, ठीक है, फिर भी टेंस आपका गलत नहीं है, टेंस आपका बिल्कुल ठीक है, दूसरा टेंस बेशक इस्तेमाल ना करें आप, लेकिन आपको पता होना चाहिए दूसरा टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, क्यों भाई? यस सर, हाँ, तो ये आपके लिए आसानी हो जाती है, दूसरा टेंस का इस्तेमाल बेशक ना करें आप, अभी टेस्ट आपका आगे आ रहा है तो उसमें आपका टेंस गलत नहीं, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल लाजमी करना है, ये ना हो कि आपकी एग्जाम्पल, आपका जो डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों के जैसा होना चाहिए। अगर आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल, सर आपने कल एक बंदरी का वर्ड कराया था, ठीक है, फार्मूला भी ये ख्याल करना है आप। जी सर जी, वो आपने कल एक वर्ड कराया था यूनिवर्स, कायनात, हाँ जी, तो एक वैसे बोला जाता है यूनिवर्सल, हाँ हाँ, यूनिवर्सल क्या, यूनिवर्सल का मतलब होता है कायनाती, मतलब होता है कायनाती, यूनिवर्सल सिस्टम, कायनाती निजाम, कायनात, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स है कायनात, ये यूनिवर्सल ट्रूथ जो है जो होते हैं कायनात के हकायक, जो अल्लाह का निजाम है, इस्लामी निजाम है, जो अल्लाह का निजाम बनाया हुआ है, जो चेंज नहीं हो सकते, वो क्या मतलब ऐसे ही रहेंगे, ठीक है ना, वो जुमले यानी कि उनको हम जो है वो कभी चेंज नहीं हो सकते, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई अपनी मर्जी से तब्दीली नहीं कर सकता, उनमें अल्लाह का जो निजाम है वो ऐसे ही चलता रहेगा। क्या मतलब निजाम क्या है, ये सूरज निकलता है, तारे चमकते हैं, ठीक है, मगरिब में ग्रुप होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, कायनात के हकायक हैं, सिस्टम, ठीक है ना, अल्लाह का बनाया हुआ निजाम, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, कायनाती जो है ये निजाम है सारा कायनात का। तो ये आप एग्जाम्पल ना कि इतनी आप करेंगे, मुझे होमवर्क भेज दीजिएगा आप, ठीक है ना, पिछला होमवर्क आप भी अर्शद और बाबर मुझे भेज दीजिएगा आप, ठीक है, कल का जो है।
शुरू करें एग्जाम वोकैबुलरी। क्यों भाई खामोश क्यों है? यस सर, चलें शुरू करें, वोकैबुलरी शुरू करते हैं। सर कल नैरो माइंडेड तक रहा था सिर्फ। जी जी ठीक है। World meanings. एक वर्ड है पनिशमेंट, सजा। पनिशमेंट सर पहले किया हुआ है, हो गया था ये वर्ड कराया था मैंने। यस सर। अच्छा जो हो गया बता दिया करें, ठीक है, वो फिर रिपीट नहीं होता, टाइम बच जाता है। अच्छा फिर ये हमारे पास है लाइट ऑफ होप, उम्मीद की किरण। लाइट ऑफ होप, उम्मीद की किरण। एक होता है फ्लैश ऑफ होप, ये भी है उम्मीद की किरण। फ्लैश ऑफ होप, उम्मीद की किरण, दोनों का मतलब एक ही है, उम्मीद की किरण। एक वर्ड होता है जॉबलेस, जिसके बाद नौकरी ना हो, जो बेरोजगार होता है उसे कहते हैं ये बंदा जॉबलेस है, बगैर नौकरी के। जॉबलेस के बंदा जॉबलेस है। अच्छा इसके बाद हमारे पास है, ये लिख लें पहले आप, बाकी यहां से मिटाई देते हैं, या आप ये कर लें, इस तरह लिखता जाता हूं। चले आगे, थ्री वर्ड आपके हो गए। हो गया, लाइट ऑफ होप, फ्लैश ऑफ होप, जॉबलेस। अनएम्प्लॉयमेंट एक वर्ड है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी। मींस कहते हैं जराए, मींस जराए या वसाइल, सोर्सेस भी कहते हैं जराए या वसाइल, सोर्सेस वसाइल, सोर्सेस। अप्रोच कहते हैं पहुंच, लोग कहते हैं मेरी बड़ी अप्रोच है, पहुंच, अप्रोच, पहुंच। एक वर्ड है हमारे पास कमिटमेंट, जबान, वादा, कोल, कमिटमेंट, जबान, वादा, कोल, कमिटमेंट, COMMITMENT, कमिटमेंट।
लिखिए आपने। यस सर। मीन्स, सोर्सेज, अप्रोच, कमिटमेंट। ओके, कितने वर्ड हो गए आपके पास? आठ, एट वर्ड्स। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। किसके बाद है हमारे पास एक वर्ड है, स्टेशनरी। स्टेशनरी सर, अप्रोच को उर्दू में क्या कहते हैं और इसकी स्पेलिंग क्या है? अप्रोच पहुंच, उर्दू में पहुंच कहते हैं। स्पेलिंग है ए डबल पी, ए डबल पी, पी फॉर पाकिस्तान, ए डबल पी आर ओ ए सी एच, ए डबल पी आर ओ ए सी एच, अप्रोच। स्टेशनरी है खत्तो कताबत की अशिया। नहीं, माइक को बंद कर दे भाई, आपका माइक, इसका माइक ऑन है, ये डिस्टर्बेंस हो रही क्लास में। खत्तो कताबत की अशिया, स्टेशनरी, एस टी ए टी आई ओ एन ई आर वाई। और एक होता है दूसरा, एक होता है स्टेशनरी, इसके स्पेलिंग दूसरे होते हैं, स्टेशनरी ए आर वाई, लोग ये लिख रहे हैं, इसका मतलब होता है साकन, बेजान, जो बेजान चीज होती है उसके स्पेलिंग ये हैं, एस टी ए टी आई ओ एन ई ए आर वाई, इसमें ए आर वाई आ रहा है, इसमें ई आर वाई है, इसमें ए आर वाई है, ये ख्याल करना है आपने। मूवमेंट कहते हैं तहरीक, मूवमेंट। सर ये दूसरा स्टेशनरी जो आपने लिखवाया है इसको उर्दू में क्या कहते हैं? ए आर वाई वाला। जी सर, ये साकन जो चीज होती है, बेजान चीजें होती हैं, जैसे कुर्सी, मेज, टेबल, फर्नीचर जो होता है, बेजान चीजें, टीवी वगैरह, ठीक है, साकन बेजान चीजें जो होती हैं उसे स्टेशनरी कहते हैं, ए आर वाई। खत्म दावत की शिया किया, फिर ई आर वाई आता है, जिसे लिखने पढ़ने की चीजें होती है, कलम, पेन वगैरह, किताब, कॉपी, नोटबुक, ये स्टेशनरी ई आर वाई में इसमें आते हैं। और बेजान चीज जो है स्टेशनरी, कि ये जो है कहते हैं ये चीजें जो है ये स्टेशनरी है, ये साकन है, बेजान है, ठीक है ना, बेहिस है। मूवमेंट है तहरीक, मूवमेंट, जैसे पाकिस्तान मूवमेंट शुरू थी, पाकिस्तान बना था, तहरीक। मोमेंट कहते हैं लम्हा, मोमेंट, एम ओ एम ई एन टी, मोमेंट है लम्हा, मोमेंट, एम ओ एम ई एन टी, मोमेंट, लम्हा। हो गया आपके, स्टेशनरी दो है, स्टेशनरी, स्टेशनरी, मूवमेंट, मोमेंट, मूवमेंट, मोमेंट, मूव, वाओ पेश की आवाज है, मूवमेंट, मोमेंट। हो गया, आ गए जी, कितने रह गए हैं वर्ड आपके? तीन रह गए। प्लानेट कहते हैं सियारा, प्लानेट, प्लानेट है।